नमस्कार दोस्तों, आज युवा संवाद के इस सेशन में हमारे साथ हैं सिद्धार्थ मलिक, जिन्होंने कि पीजीटी सोशियोलॉजी में रैंक निकाला है और अभी दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में एज पीजीटी सोशियोलॉजी वर्किंग है। इनका अपना जो लाइफ जर्नी है उसमें से हमारे लिए बहुत कुछ काम का हो सकता है, जो कि हमारे एस्पिरेंट्स के लिए एक दिशा निर्देशक के रूप में हो सकता है कि किस तरीके से इनके एक्सपीरियंसेस और इनकी स्ट्रैटेजीज रही होंगी जो कि हमारे काम आ सकती है। तो इसलिए आज इस संवाद का, इस डायलॉग का हिस्सा है सिद्धार्थ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ, अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस औरों के साथ शेयर कर सकूं। मैंने हाल ही में पीजीटी सोशियोलॉजी ज्वाइन किया है। मुझे टीचिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद मेरा टीचिंग इन लाइन में, इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है कि मैं इस लाइन को परस्यू कर सकूं। इसके बावजूद कि मेरे पापा भी टीचर रहे हैं, मेरे दादाजी भी टीचर रहे हैं, पर फिर भी इतना इंटरेस्ट या इतना रुझान मेरा इस फील्ड की तरफ आ नहीं पाया है। पर जब से 2018 से मैंने गेस्ट टीचर ज्वाइन किया, तो स्कूल में बच्चों के साथ काफ़ी पॉजिटिव इंटरेक्शन होने के बावजूद मेरे को थोड़ा सा खुशी मिली उनको पढ़ाकर, उनसे इंटरेक्ट करने के बाद। तो मुझे लगा कि मुझे इस लाइन को परस्यू करना चाहिए। फिर थोड़ी डेडिकेशन, थोड़े कंसंट्रेशन के साथ मैंने इस लाइन की प्रिपरेशन करनी, टीचिंग एज अ टीचर मतलब बनने के लिए मैंने ये प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी, और आज मैं आपके साथ यही एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। तो क्या आप हमेशा से जब टीचर नहीं बनना चाहते थे, तो उससे पहले आप क्या करना चाहते थे? सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं हमेशा से ही शुरू से कंपटीशन लेवल की तैयारी करता रहा हूँ। हमेशा कंपटीशन एग्जाम कोई ना कोई निकालना था, ऐसा कुछ गोल नहीं था कि मुझे यही एग्जाम निकालना है, पर था कि मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मुझे भी एज अ गवर्नमेंट जॉब लेनी थी। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं था, पर यह था कि कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहो और कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो इससे पहले आपने कुछ एग्जाम्स दिए होंगे, हाँ जी उनका क्या सर, अनुभव रहा? सर मैंने एसएससी का भी एग्जाम्स दिया है। लास्ट लेवल पर मेंस के आसपास आके मैं थोड़ा अटक गया, हालांकि मेरा पहला ही अटेम्प्ट था एसएससी में भी। फिर मैंने आगे एसएससी फर्दर कंटिन्यू करने की कोशिश करी, सोचा ऐसा कि मैं उसे करना चाहूँगा। पर उसी दौरान मैंने 2018 में, क्योंकि मेरी एमए भी अभी 2017 में ही पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद मैंने टीचिंग वैकेंसी निकलने के बाद मैंने 2018 में ज्वाइन किया। तो मुझे लगा मुझे इस फील्ड को ले लेना चाहिए। हालांकि गोल्स तो बहुत बहुत सारे रहे हैं, पर मुझे लगा कि अभी धीरे धीरे गोल्स को अचीव, मतलब छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते बड़ा गोल अचीव करेंगे। राइट राइट। यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ वन ऑफ द यंगेस्ट पीजीटी सोशियोलॉजी हैं दिल्ली के अंदर, और इन्होंने जैसा शेयर किया आपसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उस वक्त इन्होंने कुछ और भी एग्जाम दिए और ये मुख्य रूप से टीचिंग के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे, फिर भी 2018 और 2019 के बीच में इस तरीके की कौन सी स्ट्रैटेजी रही, हम वो जानना चाहेंगे कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके कारण कि आपने इससे पहले भी आपने टीचिंग का कोई एग्जाम दिया था। नहीं सर, तो ये जो ये टीचिंग का जो मेरा, आपका जो एग्जाम था, ये आपका पहला एग्जाम था जी सर, और आपने फर्स्ट एग्जाम में इसको क्लियर किया विद रैंक, जी सर, तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजीज रखी? सर बहुत ही डिफिकल्ट था वैसे तो इसके लिए कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाना, क्योंकि डीएसएसबी पीजीटी सोशियोलॉजी की वैकेंसी बहुत टाइम बाद निकली थी। मैंने लास्ट कोई रिजल्ट नहीं देखा, लास्ट वैकेंसीज भी मैंने सुना था कि कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ हो या एक या दो बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो पहले तो कोई कोचिंग नहीं इसकी, कोई भी मार्केट में कोई कोचिंग नहीं थी इसकी, इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सीसीएस यूनिवर्सिटी से है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट की है, तो मुझे सोशियोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था कि टाइम कम था और मुझे प्रिपरेशन बहुत सारी करनी थी। तो सर मैंने जितनी भी स्टेट लेवल की बुक्स हैं, क्योंकि मार्केट में डीएसएसबी के नाम से कोई स्पेसिफिक सोशियोलॉजी की बुक नहीं थी, तो डीएसएसबी के लिए तैयारी करने के लिए स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की जहाँ भी सोशियोलॉजी की बुक मिली मैंने उन सबको कवर अप किया या उन सबसे प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। ये जो प्रिपरेशन की जो आपने किस तरीके से की या क्या स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में बताइए। कौन सी बुक्स ली आपने, कितने घंटे आप पढ़ा करते थे, आपको क्या लगता है कि आपने कैसा शेड्यूल रखा होगा अपना जो कि आपकी हेल्प कर पाया पहली बार सिलेक्शन निकालने में?
सर पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए, हालांकि डीएसएसबी का सबको स्कीम तो एग्जाम पैटर्न पता होता है कि 300 नंबर का एग्जाम्स आता है, 200 नंबर का पार्ट टू आता है मेंस पेपर जो हमारा सोशियोलॉजी के लिए है, पार्ट वन आता है 100 नंबर का जिसमें अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं जो जनरल पेपर होता है, लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में वो आता है। तो सर पार्ट वन क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था तो पार्ट वन मेरा थोड़ा सा अच्छा था, उस पर हाथ काफी अच्छा था मेरा, लेकिन पार्ट टू के बारे में नॉलेज नहीं थी तो इसलिए पार्ट टू को मुझे कम टाइम में डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करना था। तो मेरे इस स्ट्रैटेजी के पीछे मेरे पापा, मेरी फैमिली का बहुत अहम रोल रहा है, मेरे सर की गाइडेंस बहुत अहम रही है जिसके कारण मैं ये स्ट्रैटेजी अपना पाया। हालांकि इस स्ट्रैटेजी में मैंने डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं किसी भी थ्योरी या कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। मैंने सर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की जितने भी बुक्स हैं जिनके अंदर क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन्ड वे में दे रखे हैं, मैंने उन सबको कवर करने की कोशिश करी कि मैं उस एग्जाम या मैं उस क्वेश्चन करने के लायक हो जाऊं। तो सर मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन, सर ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि कोई क्वेश्चन कर लिया उसके अंदर एक ही कंसेप्ट है तो एक ही कंसेप्ट क्लियर कर लिया, पर मैंने इस तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा दिया कि अगर चार ऑप्शन कह रहे हैं तो चार अलग अलग कंसेप्ट के बारे में वो कह रहे हैं, तो मैंने उसको डिटेल्ड वे में करते हुए सारे क्वेश्चन आंसर को कवर करें और उसके थ्रू सारे कंसेप्ट क्लियर करें, तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है सर। तो बेसिकली सिद्धार्थ ने जो तरीका अपनाया उसमें उन्होंने पहले सर्वे किया, बहुत सारे पेपर्स देखे, उसमें से क्वेश्चंस लिए और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसके थ्रू फिर उन्होंने थियरीज को उठाया और उसके बाद उस पर काम किया। तो यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने अपना शेड्यूल कैसे बनाया था, किस तरीके का आप शेड्यूल फॉलो करते थे इस स्टडी को करने के लिए, क्योंकि इसके लिए जिस तरीके की आपने प्रिपरेशन की ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि हम करवाते हैं, लेकिन इस प्रिपरेशन के लिए आपने शेड्यूल कैसे बनाया? सर मेरी इस प्रिपरेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा है वो एक्चुअली सेल्फ स्टडी के साथ साथ मेरी लाइब्रेरी का रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी कंसंट्रेशन बना, सेल्फ स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अहम रोल होता है सेल्फ स्टडी का किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, पर सेल्फ स्टडी के साथ साथ मेरा लाइब्रेरी का रोल बहुत अहम रहा है। जब से मैंने 2018 में, मैंने आपको शेयर किया कि 2018 में मैं गेस्ट टीचर था और सोशोलॉजी पढ़ा रहा था स्कूल में, तो वो जॉब ड्रॉप करने के बाद मैंने लगभग अप्रैल के आसपास वो जॉब ड्रॉप कर दी थी, और अप्रैल के बाद मेरे पास 3 या 4 महीने का मैक्सिमम टाइम था कि उस एग्जाम के लिए, पीजीटी के एग्जाम के लिए, तो मैं लगभग 10 to 12 आवर्स या 13 to 14 भी हो जाते थे अपना, सुबह लाइब्रेरी जाओ, कोई भी डिस्कशन हो अपने सर के साथ डिस्कशन करो, कोई भी प्रॉब्लम दो, कोई भी काम लो कि आज मुझे इस टॉपिक को कवर करना है, पर वो टॉपिक कवर करो, तो लगभग सर 10 से 12 आवर्स की सिटिंग जो लाइब्रेरी के अंदर मैंने दी है उसका बहुत अहम रोल होता है मेरी मेरी इस आज जहां मैं बैठा हूं। हालांकि मैंने सिद्धार्थ को देखा है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है लाइब्रेरी में पढ़ते हुए, और उस समय मुझे हर समय लगभग सिद्धार्थ डेडिकेटेड लगे हैं अपने काम के लिए, और बहुत लोड लेकर के नहीं पर बहुत कंसर्न्ड और सीरियस लेकर के, सीरियस रह करके इन्होंने प्रिपरेशन की है। यहाँ पे एक बड़ा रोल होता है कि आपका नर्चर कैसा हुआ है, आपको फैमिली एनवायरनमेंट कैसे मिला है, फैमिली के लोग कैसे देखते हैं, और आपसे आपकी अपनी जो डिजायर और एक्सपेक्टेशन है साथ में जो फैमिली की है वो कैसी है। तो मैं यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो फैमिली का रोल रहा आपके फादर का, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, मलिक साहब इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड, फैमिली टाइप से हैं, बिल्कुल एकदम पारिवारिक संबंध हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उनकी उनकी भूमिका को आप फैमिली की, पूरी फैमिली की और अपने स्पेसिफिकली अपने फादर की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं अपनी इस प्रिपरेशन में। मेरी फैमिली का सपोर्ट सर बहुत इम्पोर्टेंट रहा है मेरे इस प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, पहली बात मेरे पापा ने मेरा टाइम टेबल या मेरी पढ़ाई को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं किसी एग्जाम को लाइटली तो लेता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी नर्वस हो जाता हूँ एग्जाम आने से पहले बहुत जल्दी नर्वस हो जाता हूँ, तो उस टाइम पे भी मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे पापा का, मम्मी का, हालांकि मेरी सिस्टर का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि
मैं ज़्यादा नर्वस ना हो, मुझे क्या करना चाहिए और क्या कैसे करना चाहिए। और उन्होंने मुझे वो एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराया जिस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाऊं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूं। बहुत लोड नहीं दिया उन्होंने मुझे प्रिपरेशन के दौरान कि तुम्हें भाई हाँ ये करना ही है, यही करना है। ऐसा कोई स्ट्रेस लेके उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहा। तो मैंने बहुत स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी। हालांकि सिद्धार्थ हमारे साथ काफ़ी समय तक, शुरुआत में जो शुरुआत हुई थी वो इंस्टीट्यूशन में जुड़ने के रूप से ही हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इनके सब्जेक्ट में हमारे पास में था, बिकॉज़ हमारी जो अपनी जो सोशियोलॉजी की समझ है हम उसको तो इनसे डिस्कस कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे कोई हम सोशियोलॉजी स्पेसिफिक कोर्स तो चला नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी एक कोई सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो पाया। बट फिर भी मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा सिद्धार्थ से कि आज जो मीडियम है बच्चों के पास, जो स्टूडेंट्स के पास, आप लोगों के पास जो मीडियम है वो बहुत बढ़ गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो, या फिर वो इंस्टीट्यूशनल हेल्प हो। बुक्स की बात करें तो बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे इन सारे सोर्सेस के बीच में किस तरीके से मैनेज करना चाहिए एक स्टूडेंट को, अगर वो आपकी तरह अगर फर्स्ट टाइम में अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहे, या फिर वो एक दो बार दे भी चुका है पर उसकी कहीं कमी रही है, तो वो किस तरीके से उसे मैनेज करना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि फर्स्ट थिंग सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कि किसी भी स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। आजकल बहुत जगह यूट्यूब पे भी मटेरियल उपलब्ध है, बहुत जगह सोशल मीडिया पे भी मटेरियल उपलब्ध है। लेकिन अगर किसी भी सोशल मीडिया पे तुम मटेरियल कुछ भी ऑब्जर्व करते हो या कुछ भी स्टडी करते हो, तो उसके बाद भी तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी ज़रूरी होती है, वरना वो देखा और भूल गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी ज़रूर करती है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान या लाइब्रेरी में जब भी स्टडी करते हुए सोशल मीडिया को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम ज़्यादा वो हो रही है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा इतना मार्केट में कोचिंग इस तरह अवेलेबल थी नहीं कोर्स को लेके, तो मैंने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया है। अदरवाइज सोशल मीडिया को इग्नोर ही किया है, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया है। तो किसी भी सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने दिया मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान। मैंने सिर्फ दो या तीन चीज़ों पे ध्यान दिया है। एक तो हार्डवर्क पे, सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। अगर वो सेल्फ स्टडी लगातार करते रहो तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और वो तो आराम एक रास्ता निकलता जाता है तुम्हारा प्रिपरेशन को अंजाम देने के लिए। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं है कि भाई आज 5 दिन पढ़े, 2 दिन लाइब्रेरी नहीं आया, ऐसा मैंने नहीं किया। मैं लगातार जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की टिल द एंड लाइब्रेरी आया हूँ, तो कंसिस्टेंसी मैंने ब्रेक नहीं होने दी। हमारे टाइम में और आज का टाइम थोड़ा परिवर्तित है। हम भी प्रिपरेशन करते थे, उस वक्त में समस्या ये होती थी कि मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था। आज की डेट में समस्या ये है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। तो आप किताबें खरीदने के लिए जाएंगे तो एन नंबर ऑफ बुक्स हैं, हमें ये खोजना पड़ता था क्या हमारे सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है भी या नहीं, और है तो फिर वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो इस सिनारियों में मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सी बुक्स या कौन सा मटेरियल बेहतर रहेगा विद्यार्थियों के लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए स्पेसिफिकली। सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी माइंड में सिलेबस होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का या उस एग्जाम के लिए क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली चीज तुम्हें ध्यान देना चाहिए सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक हो जो सिलेबस को बेहतर तरीके से कवर करती हो। उसके साथ साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सर हमें क्या है ये फायदा जरूर मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में आइडिया हो जाता है। तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हमें उस सिलेबस जो बुक ज्यादा अच्छे तरीके से कवर करा रही हो, ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में कवर करा रही हो और जो हमारे कंसेप्ट क्लियर कर रही हो, उस बुक्स को हमें ज्यादातर रेफर करना चाहिए। आजकल सब यूट्यूब पे भी मिल जाता है, पर आजकल सब मार्केट में भी अवेलेबल है। तो हम कोई बुक्स लेने के लिए या कोई भी मटेरियल लेने के लिए हम कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं, पर एट लास्ट सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वॉट सिद्धार्थ वॉन्ट टू से कि
दैट आप चाहे कोई भी तरीका अगर लगा लें, कोई भी मेथड अपना लें, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है सेल्फ स्टडी। तो ज़रूर सेल्फ स्टडी में इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, इनकी प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी का, और इनका ये सेल्फ स्टडी को किस तरीके से देखते हैं। साथ में आपकी कुछ हॉबीज़ और इंटरेस्ट भी रहे होंगे जिनको आप फॉलो करते हैं और जिनका जिनकी आप भूमिका देखते हैं अपने आज की जो आपकी जो सक्सेस है उसमें। तो क्या आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट रहे हैं, कुछ बताएं? सर, मेरी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ फोटोग्राफी में ज़्यादा है। मैं अगर प्रिपरेशन के टाइम भी ऐसे कोई स्ट्रेस लेके मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें उतना इफेक्टिवली याद नहीं रहता और उतना लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता। तो मैं ऐसा नहीं है, मंडे टू सैटरडे मैंने पढ़ाई भी की है लाइब्रेरी में रेगुलर जाके, लेकिन संडे टू संडे मैंने अपनी फोटोग्राफी को कंटिन्यू करा, तो जिससे माइंड रिलैक्स भी रहा और पढ़ाई में भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहा। शायद पैशन को साथ साथ हॉबीज़ को साथ साथ कंटिन्यू करने के कारण ही मेरी पढ़ाई थोड़ी इफेक्टिवली वे में हो पाई। सो ये जो आप वॉल देख रहे हैं पीछे, इस पे भी काफ़ी कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि सिद्धार्थ ने ली हैं और उनको मैंने यूज़ कर लिया, बिकॉज यू नो टीचर्स दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मनी। खैर, वट आई वॉन्टेड टू से हियर इज कि हॉबी और इंटरेस्ट किसी की भी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाउ आई सी दीज इंटरेस्ट एंड हॉबीज कि आपकी जो स्ट्रेस है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और टेंशन में आ जाते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो चलिए पूछते हैं सिद्धार्थ से कि अगर आप जब कभी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, कभी अगर टू मच टेंशन लग रही है या एक्सपेक्टेशन का बोझ लग रहा है, कभी ऐसा लगा, कभी स्ट्रेस महसूस हुई, तो आपने क्या किया? सर, मेरे को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि मैं उसे इंजॉय करता हूँ करने के लिए। मैं जब भी फोटोग्राफी करता हूँ हमेशा उसे इंजॉय करता हूँ, हालांकि मैं वाइल्ड लाइफ ज़्यादा इंजॉय करता हूँ एज़ कम्पेयर टू नेचर फोटोग्राफी। तो मैंने सर, जब भी मैं ज़्यादा स्ट्रेस होता हूँ तो मैं अपना कैमरा उठा लेता हूँ, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्लिक कर लिया या कुछ भी, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया कैमरे के साथ तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होने के बाद मैं फिर से स्टडी करने बैठ जाऊँ या लाइब्रेरी में फिर से अपना शेड्यूल फॉलो कर लो। अगर किसी भी एक टॉपिक के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ या बहुत टाइम हो गया करते करते और मेरा बोर हो रहा हूँ उससे, तो सर मैं फिर 5 या 10 मिनट का रिलैक्स लेके सब्जेक्ट स्विच कर लेता हूँ। कि अगर मैं हिंदी कर रहा हूँ तो मैंने फिर 10 मिनट का रिलैक्स लेके इंग्लिश करना स्टार्ट कर दिया, फिर सोशोलॉजी को टाइम देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सब सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट मैंने इक्वली टाइम दिया है, हालांकि सोशोलॉजी को ज़्यादा दिया है क्योंकि पार्ट वन मेरा ऑलमोस्ट कवर अप था, बस उसकी प्रैक्टिस करनी थी, तो पार्ट टू पे मेरा इम्पॉर्टेंट फोकस था कि मुझे वो कवर करना चाहिए। सो आपको लगता है कि पार्ट टू और पार्ट वन दोनों को बराबर वेटेज देना चाहिए या फिर कहीं कुछ ज़्यादा और कम है? नहीं सर, मुझे लगता है पार्ट वन और पार्ट टू पे आपको बराबर वेटेज देना चाहिए। आपको जो सब्जेक्ट आता है, जिस भी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है उसकी प्रैक्टिस रखो, लेकिन जिसमें कंसेप्ट की थोड़ी गड़बड़ी है या कंसेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है उसको फोकस देना चाहिए। क्योंकि सर पार्ट वन या पार्ट टू कोई भी क्वेश्चन हो है एक नंबर का ही, अगर आप पार्ट वन में एक नंबर करोगे आप पार्ट टू में भी एक नंबर कवर कर सकते हो। लेकिन सब सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा हो या तुम्हारा स्ट्रांग हो। हर बच्चे की अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस रहती है, जैसा मेरा स्ट्रेंथ था पार्ट वन क्योंकि मेरी पार्ट वन पे कमांड अच्छी थी, पर ये नहीं है कि मैंने कमांड अच्छी होने के बाद उस पार्ट वन को छोड़ दिया हो उसके दौरान पार्ट टू के दौरान। पार्ट टू मेरा कमज़ोर था तो पार्ट टू पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, लेकिन साथ साथ पार्ट वन की प्रैक्टिस भी करता रहा, जिसके कारण मेरे दोनों सब्जेक्ट साथ साथ चलते रहे। तो सर मेरे को लगता है कि पार्ट वन पार्ट टू दोनों पे टाइम इक्वली देना चाहिए, बस जो कमज़ोर हो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो और जो तुम्हारा पॉजिटिव सब्जेक्ट हो या स्ट्रांग सब्जेक्ट हो उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन छोड़ो मत। अगर तुमने मैथ्स ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रांग है, जैसे मेरा पार्ट वन ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं उसकी छोड़ देता तो शायद मेरे कंसेप्ट थोड़े या उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो जाती। तो प्रैक्टिस कम होने के बाद भी क्या होता है कि तुम्हारा स्कोर इतना अबव नहीं हो पाता, नॉर्मल एवरेज स्कोर रह जाता है बाकी बच्चों की तरह, तो स्ट्रांग सब्जेक्ट का कोई फायदा नहीं रहता फिर। तो उस स्ट्रांग सब्जेक्ट की साथ साथ प्रैक्टिस करने से तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलती है, जिसका काम प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हैं। तो मैंने पार्ट वन के प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ पार्ट टू की बुक्स और उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज़्यादा फोकस किया।
तो सिद्धार्थ से बहुत सारी हमने बातें की, सारी बातें करके बड़ा ही अच्छा लगा, और ये जान करके कि आप अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ और सेल्फ स्टडी को अगर ध्यान में रख करके अगर काम करते हैं, अगर मटेरियल का सही तरीके से चुनाव करते हैं, तो आप बहुत कम समय में भी एक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, जो कि DSSB PGT लेवल का एग्ज़ाम हो, जो कि बहुत ही उच्च स्तरीय एग्ज़ाम है। तो अंत में मैं जानना चाहूँगा कि सिद्धार्थ अगर कुछ शेयर करना चाहें तो। सर मैं यही शेयर करना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स के साथ कि प्रिपरेशन जो टाइम पीरियड होता है ना उसको इतना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना मज़ा इस प्रिपरेशन के दौरान है ना उतना मज़ा शायद जॉब के बाद भी नहीं है। तो तुम इस प्रिपरेशन को स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो उतना इफेक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा तुम्हारा एग्जाम के अंदर जितना स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट के दौरान आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई पे इतना ध्यान दे दिया कि तुम अपने इंटरेस्ट को भूल जाओ, अपनी हॉबी को भूल जाओ या अदर प्लेटफॉर्म्स भूल जाओ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं, अपनी हॉबी भी कंटिन्यू कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट भी कर सकते हो। जब भी तुम्हारा ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो किसी भी चीज को, तो जिस भी चीज को तुम ज्यादा एंजॉय करते हो वो करने लग जाओ। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के ही पढ़ाई होती है, पढ़ाई प्रिपरेशन एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, तो इसको एंजॉय करके पढ़ो तो मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिवली तुम काम कर पाओगे किसी भी एग्जाम को लेकर। तो बस मैं यही शेयर करना चाहता हूँ सर। दोस्तों वाकई में आज ये इंटरेक्शन करके एक मीनिंग मिल गया युवा संवाद को, और मीनिंग मिल गया, और एक स्ट्रैटेजी और एक एक्सपीरियंस शेयर करने के कारण सिद्धार्थ के द्वारा हम लोगों को एक 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 नया तरीका भी मिल गया, जिससे कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी और खुद से कुछ साधनों का चुनाव करके, एक कमिटमेंट के साथ लग करके हम बहुत कम समय में भी प्रिपरेशन करके और इसको निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ इसको क्लोजली, तो 6 मंथ का टाइम पीरियड था जिसमें कि इन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाला है, और इन्होंने हर एक चीज़ को बहुत ही ईमानदारी से आपके साथ में शेयर किया है। तो आई होप, वी होप दैट आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच।